गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपने YouTube चैनल आरसी फिजिक्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए, आज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। अब तक हमने बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 और 5, ये चार चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। जो 13 चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो 14 चैप्टर था उसका था आणविक भौतिकी, और जो 15 था वो था नाभिकीय भौतिकी, और जो पांचवा चैप्टर था वो था इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। तो ये चार चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पांचवा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो 6 नंबर का चैप्टर है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट अर्थात विद्युत परिपथ। तो इनमें से आप कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहे तो इन सभी जो चैप्टर्स हैं इनके वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप किसी भी चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाके उसके वीडियो चेक कर सकते हैं। आपको बाय ऑर्डर सारे के सारे वीडियो प्रोवाइड करवाए जा सकते, मतलब जा चुके हैं, तो आप कोई भी वीडियो आराम से देख सकते हो। तो आज हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट, हिंदी में बोला जाता है विद्युत परिपथ। तो देखिए, पहला सवाल तो यही आता है हमारे दिमाग में कि सर ये विद्युत परिपथ क्या होता है। तो देखो, विद्युत परिपथ का मतलब ये होता है कि अगर आप विद्युत अवयव को उनकी विशेषताओं के अनुसार श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में संयोजित करके जो व्यवस्था की जाती है वह विद्युत परिपथ कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या दी गई कि विद्युत अवयव, तो अब हम हर वर्ड पे बात करते हैं कि ये क्या है। तो पहला वर्ड ही क्या आ गया कि विद्युत अवयव, तो अब यही सवाल आता है कि सर विद्युत अवयव क्या होता है। तो विद्युत अवयव का मतलब है जैसे बैटरी है, कुंजी है, प्रतिरोध हो गया, एमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, तो ये सभी काउंट होते हैं विद्युत अवयव में। विद्युत अवयव का मतलब कि वह कारक या वो अवयव जो विद्युत प्रवाह के लिए क्या हो, जिम्मेदार हो। जैसे बैटरी, बैटरी बिना आप विद्युत प्रवाह करवा सकते हो, नहीं करवा सकते। कुंजी, कुंजी से हम क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं करंट का फ्लो। प्रतिरोध, ये धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। एमीटर, एमीटर आपको पता होगा कि ये धारा का मापन करता है। वोल्टमीटर किसका मापन करता है, विभव, या ये किसका मापन करता है, विभवांतर का मापन करता है। तो विद्युत अवयव का मतलब क्या हो गया कि वे सभी अवयव जो विद्युत प्रवाह के लिए जिम्मेदार हो या उत्तरदायी हो वो क्या कहलाते हैं, विद्युत अवयव। अगर एग्जाम्पल पूछे तो बैटरी, कुंजी, प्रतिरोध, एमीटर, वोल्टमीटर को उनकी विशेषताओं के अनुसार श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। देखो, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तो जो एमीटर है वो करता तो क्या है, वो धारा का मापन करता है। और हमेशा याद रखना, एमीटर को आप हमेशा ही श्रेणी क्रम में ही संयोजित करोगे। अब सवाल आएगा कि सर आप श्रेणी क्रम में ही क्यों संयोजित करोगे, तो आपको मैंने प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने क्या कहा था कि जो श्रेणी क्रम संयोजन है वहां जो श्रेणी में जो धारा का मान होता है वो क्या होता है, समान होता है। और आपको पता है जो वोल्टमीटर है वो किसका मापन करता है, वो मापन करता है विभवांतर का। और वोल्टमीटर को हमेशा आप किस में लगाओगे, समांतर क्रम में। क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टता का मान समान होता है और श्रेणी क्रम में किसका मान समान होता है, धारा का। इसलिए एमीटर को आप हमेशा श्रेणी क्रम में कनेक्ट करोगे। कोई पूछे क्यों, तो आप क्या जवाब दोगे कि श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है। और उसी प्रकार वोल्टमीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में किसका मान समान रहता है, विभवांतर का मान समान रहता है। तो विद्युत अवयव को उनकी विशेषताओं के अनुसार श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम। तो आपने देख लिया कि एमीटर को आप हमेशा किस में जोड़ोगे, श्रेणी क्रम में। वोल्टमीटर को किस में जोड़ोगे, समांतर क्रम में। तो संयोजित करके जो व्यवस्था बनाई जाती है या जो जाल बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ की डेफिनेशन क्या हो गई कि विद्युत अवयव को उनकी विशेषताओं के अनुसार आप या तो श्रेणी क्रम में कनेक्ट करो या समांतर क्रम में कनेक्ट करके जो आप व्यवस्था बनाओगे वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी विद्युत परिपथ। आगे देखिए, जो सरल विद्युत परिपथ होते हैं उनको तो आप आराम से ओम के नियम से सोल्व कर सकते हो। किस नियम से सोल्व कर सकते हो, ओम के नियम से। जैसे सपोज दैट मैंने बोल दिया कि यहां 2 ओम का प्रतिरोध है
और यहाँ पे 5 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है इस वायर से, तो मैं पूछू कि बताइए वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक वायर है जिसमें 5 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है और उसका प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है। तो आपको पूछा जाए कि बताइए वोल्टेज कितनी होगी, तो आप सीधा ओम का नियम अप्लाई करोगे, V is equal to IR, I का मान कितना है 5, R का मान कितना है 2, तो आप क्या बोल दोगे कि इसका विभवांतर कितना है 10 वोल्ट। तो जो सरल परिपथ होते हैं उनको तो हम आराम से ओम के नियम से सोल्व कर सकते हैं, बड़ जटिल परिपथ हो जैसे परिपथ में 2 या 3 सेल कनेक्ट हो, 4-5 प्रतिरोध कनेक्ट हो, तो फिर हम इस नियम से सोल्व नहीं कर सकते, अर्थात वहां पे ओम का नियम हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो जटिल विद्युत परिपथ को सोल्व करने के लिए हम जो नियम काम में लेते हैं वो लेते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने अपने कुछ नियम दिए थे, तो जो भी जटिल विद्युत परिपथ होंगे उनको हम सोल्व करेंगे तो हम किनका उपयोग लेंगे, किरचॉफ के नियमों का। तो किरचॉफ्स ने 2 नियम दिए थे, तो अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। तो मैं बता चुका हूँ आप पढ़ोगे क्यों किरचॉफ्स लॉ, क्योंकि सरल विद्युत परिपथ तो आप आराम से ओम के नियम से सोल्व कर सकते हो, बट जो जटिल विद्युत परिपथ है, जैसे जटिल का मतलब जैसे मान लो किसी सर्किट में 2 या 3 सेल कनेक्ट हो, 3-4 प्रतिरोध कनेक्ट हो, तो फिर हम यहाँ वहां पे सीधा V बराबर IR नहीं लगा सकते। इसलिए जटिल विद्युत परिपथों को सोल्व करने के लिए हम किसके नियम पढ़ेंगे, किरचॉफ्स के नियम पढ़ेंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के नियम, तो देखो किरचॉफ्स ने 2 नियम दिए थे, तो या तो उनको ऐसे लिखा जा सकता है कि प्रथम नियम अर्थात फर्स्ट लॉ, और जो सेकंड है उसको कैसे बोल दोगे आपकी द्वितीय नियम, या क्या बोल दोगे सेकंड लॉ। अब दूसरा भी नाम है इसका, इसका दूसरा नाम है संधि नियम, इंग्लिश में इसको बोला जाता है जंक्शन लॉ। इसका दूसरा नाम है वोल्टा नियम या लूप नियम, तो वोल्टेज लॉ भी बोल सकते हो, लूप लॉ भी बोल सकते हो, तो ये इनके अलग अलग नाम है। तो पहला नियम को क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किरचॉफ्स के प्रथम नियम को समझाइए, या पूछा जा सकता है संधि नियम बताइए, दूसरे को ऐसे पूछा जा सकता है कि द्वितीय नियम बताइए, वोल्टा का नियम बताइए, या क्या बताइए लूप नियम। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्रथम नियम, तो फर्स्ट लॉ, और इसको बोला जाता है जंक्शन लॉ, हिंदी में बोला जाता है संधि नियम। तो किरचॉफ्स ने देखो क्या कहा, तो किरचॉफ का जो संधि नियम का स्टेटमेंट है वो इस प्रकार है कि किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, योग शून्य होता है। अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखना चाहूं तो समेशन आई बराबर 0। समेशन आई का मतलब है कि यहां पे जितनी धाराएं आ रही है उनका आपको योग करना है। तो अब देखो यहां पे बीजगणितीय क्यों लिखा, बीजगणित इसलिए लिखा क्योंकि आपको पता है धारा सदिश है या अदिश है, मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं धारा कैसी राशि है, अदिश राशि, और अदिश राशि का जो योग होता है उसको कौन सा योग बोला जाता है, बीजगणितीय योग। तो क्या बोला कि किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, तो धारा आप जानते हो और उनका बीजगणितीय योग क्यों कर रहे हो, क्योंकि धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो अब इसमें देखो एक वर्ड है कि संधि बिंदु, तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर संधि बिंदु से क्या मतलब है आपका, तो देखो संधि बिंदु को अगर मैं जनरल वर्ड में समझाना चाहूं तो संधि बिंदु का मतलब होता है कि वह बिंदु जहां 2 या 2 से अधिक तार मिलते हो। क्या बोला कि वह बिंदु जहां पर 2 या 2 से अधिक तारों का मिलन होता है ना, वो संधि बिंदु कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसको अगर मैं ए नाम दू, इसको अगर मैं बी नाम दू, और इसको मैं अगर सी नाम दूं, तो मैं पूछूं क्या ए बी और सी तीनों ही संधि है या संधि बिंदु है। तो संधि बिंदु की डेफिनेशन मैंने क्या दी कि वह बिंदु जहां 2 या 2 से अधिक तार मिलते हैं। तो देखो एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा, बताओ यहाँ कितने वायर हो गए, 1, 2, 3 वायर। तो इस बिंदु पर कितने वायर मिल रहे हैं, 3 वायर। तो संधि बिंदु की डेफिनेशन सही हो रही है। क्या बोला कि 2 या 2 से अधिक वायर जिस बिंदु पर मिलते हैं वो क्या कहलाता है, संधि बिंदु। अब इस बिंदु की बात करो, देखो यहाँ पे एक वायर,
दो तीन और चार, इस बिंदु पर कितने वायर मिल रहे हैं? फोर वायर। तो यह भी संधि की डेफिनेशन को प्रूव कर रहा है। लेकिन यहां देखो, इस बिंदु पर तो केवल एक ही वायर आ रहा है, तो क्या यह संधि बिंदु हो सकता है? नहीं हो सकता। तो संधि बिंदु का जनरल वर्ड में मतलब है कि वह बिंदु जहां दो या दो से अधिक तारों का मिलन होता है, वो क्या कहलाता है? संधि बिंदु। तो क्या नियम है कि किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का क्या होता है? बीजगणितीय योग शून्य। तो देखो और इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये मान लो कोई बिंदु है, मान लो यहां पे धाराएं आ रही है, जैसे आई वन आ गई, आई टू, आई थ्री, आई फोर, आई फाइव। साथ में यहां पे देखो, इस नियम को सोल्व करने से पहले आपको दो चीजें ध्यान रखनी होगी। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी होगी कि संधि पर आने वाली धारा को आप हमेशा पॉजिटिव लोगे। क्या लोगे? कि संधि पर जो जो धाराएं आ रही है उनको आप क्या लोगे? पॉजिटिव साइन से लोगे। और इसी प्रकार संधि से जाने वाली धारा को आप हमेशा कैसा लोगे? नेगेटिव। तो क्या बोला कि संधि पर जो जो धाराएं आ रही है उनको तो आप पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिखोगे, और संधि से जाने वाली धाराओं को किस पॉइंट्स मतलब माइनस से आप रिप्रेजेंट करोगे। और आपको बोला क्या है? बीजगणितीय योग। तो फिर आप इन दोनों का क्या कर दोगे? योग कर दोगे। तो बताइए, मैं यहाँ पे ये नियम अप्लाई करता हूं। तो देखिए, मुझे बताइए, आई वन आ रही है संधि बिंदु पर या जा रही है? तो देखो, ये तीर अंदर की तरफ है, इसका मतलब ये संधि बिंदु पर आ रही है। तो आने वाली धारा के लिए कैसा चिन्ह आएगा? प्लस। तो क्या मैं प्लस आई वन लिख दूं? यस और नो? क्यों? क्योंकि नियम क्या कहता है कि संधि पर आने वाली धारा हमेशा कैसी लेनी है आपको? पॉजिटिव। अब मुझे बताओ, आई टू संधि की तरफ आ रही है या दूर जा रही है? तो देखो, तीर अंदर की तरफ है, इसका मतलब ये संधि बिंदु पर प्रवेश करेगी, और संधि पर आने वाली धारा को आप कैसे लेते हो? पॉजिटिव। तो प्लस आई टू। अब मुझे बताओ, आई थ्री है जो संधि बिंदु से दूर जा रहा है या संधि बिंदु की तरफ आ रहा है? देखो, तीर बाहर की तरफ है, अगर अंदर की तरफ है इसका मतलब संधि पर आ रहा है, और बाहर की तरफ है इसका मतलब संधि से दूर जा रही है। तो ये धारा बाहर की तरफ जा रही है, और संधि से जाने वाली धारा के लिए कैसा चिन्ह आता है? माइनस। तो माइनस आई थ्री। बताओ, आई फोर आ रही है या जा रही है? आई फोर बाहर की तरफ निकल रही है, इसका मतलब माइनस आई फोर। और आई फाइव भी क्या जा रही है? बाहर की तरफ। इज इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। तो ये होता है संधि नियम, कि संधि पर जो धाराएं आती है उनको तो आप लोगे प्लस, जो जाती है उनको आप लोगे माइनस, और इनका योग कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो क्या यहां से ऐसा लिखा जा सकता है, आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आई थ्री प्लस आई फोर प्लस आई फाइव? लिखा जा सकता है। इनका पक्षांतरण कर दिया, माइनस आई ने, तो इधर आके किसके हो गए? प्लस के। तो देखो, आई वन प्लस आई टू क्या है? आने वाली धाराएं हैं, और आई थ्री प्लस आई फोर प्लस आई फाइव क्या है? जाने वाली धारा। तो अर्थ में यह भी तो लिख सकता हूं कि संधि पर आने वाली धाराओं का योग हमेशा बराबर किसके होगा? संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। अर्थात संधि पर जो धाराएं आ रही है और जो जा रही है, उन दोनों का योग हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। देखो, कॉमन सेंस की बात है, अगर ये बराबर नहीं होगा तो फिर इनका योग जीरो कैसे होगा? भाई बराबर, जैसे ये राशि अगर मान लो 10 एम्पियर है, और ये मान लो 10 एम्पियर है, तो अब देखो दोनों 10 10 होगी, तभी तो इनका अगर आप अपसारण करोगे तो 10 माइनस 10 कितना आ गया? जीरो आ गया। इसलिए संधि पर जितनी धाराएं का जो आती है उनका योग होता है, उतना ही धारा संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के क्या होगा? बराबर होगा। तभी तो यह नियम प्रयुक्त होगा कि किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात समेशन आई हमेशा आपको किसके बराबर करना है? जीरो के बराबर पुट करना है। यह चीज जरूर ध्यान रखना कि संधि पर आने वाली धाराओं को हमेशा पॉजिटिव लोगे, और जाने वाली धाराओं को नेगेटिव। देखो, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, अगर कोई ये चाहे ना कि नहीं शर्मा, तो आने वाली धाराओं को नेगेटिव लूंगा और जाने वाली को पॉजिटिव लूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको माइनस बोल दो और इसको प्लस बोल दो। तो देखो, अगर इसको माइनस करोगे तो यहां माइनस आ जाएगा और यहां माइनस आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। अब वही बात, कि इन दोनों का पक्षांतर कर दो, तो आई थ्री प्लस आई फोर प्लस आई फाइव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई वन प्लस आई टू। तो यह था संधि नियम। तो देखिए, क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में आई का मान क्या होगा? तो आपको दो सर्किट दिए हुए हैं, ए और बी। तो अभी अभी आपको जो मैंने पढ़ाया उसकी मैं आपको हाईलाइट बता देता हूं कि आपने क्या पढ़ा।
आपने किरचॉफ्स का पहला नियम पढ़ा जंक्शन लॉ, तो वो ये कहता है कि किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? जीरो। यानी जितनी धारा है उन सब का योग आपको क्या करना है? जीरो करना है। दूसरी बात, आने वाली धारा को आप कैसे लोगे? पॉजिटिव, हमेशा यही नियम रखोगे, और जाने वाली धारा को कैसा लोगे? नेगेटिव। ठीक है, तो ये हाईलाइट थी कि आने वाली धारा को पॉजिटिव लेना है, जाने वाली को नेगेटिव लेना है, और इन दोनों का जो योग करोगे वो किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर। तो चलो अभी सम नियम को यहाँ अप्लाई करते हैं। तो 8.0, तो पॉइंट ओ को देखो आप कि कौन कौन सी धाराएं आ रही है और कौन कौन सी जा रही है। तो देखिए 5 एम्पियर, अब आपको आने वाले और जाने वाले का पता चल जाएगा कि तीर का निशान अगर उस बिंदु की तरफ है तो वो आने वाली होगी, और उस बिंदु से दूर की तरफ है तो वो क्या होगी? जाने वाली। तो देखो 5 एम्पियर में जो तीर का चिन्ह है वो क्या है? अंदर की तरफ है, इसका मतलब ये धारा प्रवेश कर रही है। उसी प्रकार 4 एम्पियर पे जो तीर का निशान है वो भी अंदर की तरफ है, इसका मतलब ये भी धारा प्रवेश कर रही है। 2 एम्पियर पर है, ये भी अंदर की तरफ है, इसका मतलब ये भी करंट क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है। बट देखो जो 4 एम्पियर और आई पे है वो करंट का जो तीर का निशान है वो किधर है? बाहर की तरफ। इसका मतलब ये तीनों तो आने वाली धाराएं हैं, और ये दोनों धाराएं कौन सी है? जाने वाली धारा। तो मैंने क्या कहा कि आने वाली धारा को आप प्लस लोगे, जाने वाली धारा को क्या लोगे? माइनस। तो देखो प्लस ले लो, तो प्लस 5 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर। फिर जाने वाली धारा को आपको किससे लेना है? नेगेटिव से। तो माइनस 4 एम्पियर और माइनस आई, इनका योग कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो देखो 5, 2, 7, 4, 11, 11 में से 4 गए तो कितने आ गए? 7 एम्पियर माइनस आई इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से अगर मैं आई पूछो तो कितना आ जाएगा? 7 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन था कि दिए गए चित्र में आई का मान क्या होगा। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है, आने वाली धारा को हमेशा प्लस लोगे, जाने वाली धारा को हमेशा माइनस लोगे, फिर इनका योग किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के। यही किरचॉफ्स का क्या था? पहला नियम था। अब देखो दूसरा एग्जांपल और है, तो इसमें देखो आपको अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं, अलग अलग संधि बिंदु दिए हुए हैं, जैसे ए संधि है। कैसे पता चला? संधि बिंदु की डेफिनेशन मैंने क्या दी थी कि वह बिंदु जहां दो या दो से अधिक तार मिलते हो। तो देखो 1, 2 और 3 वायर मिल रहे हैं, इसका मतलब यह संधि बिंदु है। ये देखो 1 वायर 2 वायर 3 वायर, तो यह भी संधि बिंदु है। और उसी प्रकार यहां देखो 1, 2, 3, यहां पे भी 3 वायर है, इसका मतलब यह भी संधि बिंदु है। तो मैं सबसे पहले संधि बिंदु को सोल्व करता हूं। तो 8.A, यानी ए पॉइंट पे आप संधि का नियम लगाओ। तो संधि का नियम क्या कहता है? आने वाली धारा पॉजिटिव, जाने वाली मान नेगेटिव, और योग कितना होना चाहिए? जीरो। तो बताओ यहाँ 3 एम्पियर आ रही है या जा रही है? तीर का निशान अंदर की तरफ है, इसका मतलब 3 एम्पियर प्रवेश कर रही है। तो आने वाली धारा को आप कैसे लोगे? पॉजिटिव, तो 3 एम्पियर। अब देखो 1.5 पे तीर अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ? बाहर की तरफ, इसका मतलब ये संधि से दूर जा रही है, और दूर जाने वाली धारा को आप कैसे लोगे? नेगेटिव, तो -1.5 एम्पियर। अब इसी प्रकार ये देखो जो अक्ष है वो किधर जा रही है? बाहर की तरफ, इसका मतलब जाने वाली धारा को आप कैसे लोगे? नेगेटिव, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। तो यहां से देखो 3 में से डेट गए तो 1.5 एम्पियर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स का मान बताओ कितना आ गया? 1.5 एम्पियर आ गया। क्या कि आपने आने वाली धारा को लिया पॉजिटिव, और देखो या एक धारा प्रवेश कर रही है और दो बाहर की तरफ जा रहे। देखो ये तीर भी बाहर की तरफ है और ये तीर भी क्या है? बाहर की तरफ। तो जाने वाली को आप हमेशा क्या लोगे? नेगेटिव, और आने वाली को कैसे लोगे? पॉजिटिव। तो देखो आपको एक्स की वैल्यू मिल गई ना, कितनी मिल गई? 1.5 एम्पियर। अब देखो इस बी बिंदु की तरफ देखो कि यहां पे देखो, अब मैं यहां पे लिख देता हूं 8 पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पे देखो 1.5 प्रवेश कर रही है, तो आने वाली धारा को कैसा लेना है? पॉजिटिव, तो 1.5 एम्पियर। और देखो जो 1 एम्पियर है वो आ रही है या जा रही है? तीर बाहर की तरफ है, इसका मतलब ये जा रही है। तो जाने वाली धारा को कैसा लेना है? नेगेटिव, तो -1 एम्पियर। और ये जो y है वो भी क्या हो रही है? बाहर की तरफ जा रही है, तो माइनस क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो। कि संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग कितना होना चाहिए? जीरो। अब डेढ़ में से 1 गया तो कितना बच गया? 0.5 एम्पियर माइनस y इज इक्वल टू जीरो। तो y का मान कितना आ गया? 0.5 एम्पियर। तो ये वैल्यू किसकी आ गई? y की। आपको नियम हमेशा एक ही इसी चीज के साथ आप स्टिक रहोगे कि आने वाली धारा पॉजिटिव, जाने वाली नेगेटिव, और योग कितना होना चाहिए? जीरो। तो अब देखो मैं पॉइंट सी की बात करता हूं। तो 8.C, अब देखो y की वैल्यू है आपके पास कितनी है? 0.5 एम्पियर। अब बताओ इस बिंदु पर y अंदर की तरफ आ रही है या बाहर की तरफ जा रही है? अंदर की तरफ आ रही है, तो आने वाली धारा को कैसा लेना है? पॉजिटिव, तो 0.5 एम्पियर।
अब इस पॉइंट से देखो कि ये जो 0.25 एम्पीयर है वो बाहर की तरफ जा रही है अंदर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ तो जाने वाली धारा को कैसा लेना है नेगेटिव, तो 0.25। अब देखो ये आई है ये भी बाहर की तरफ जा रही है तो माइनस आई, इनका योग कितना होना चाहिए जीरो। तो देखो आप इनके एक साथ नियम अप्लाई नहीं करोगे, आप अलग अलग संधि बिंदु मान लो जिससे ये जो पूरा सर्किट है वो आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ देखो 0.5 में से 0.25 गया तो कितना बचा 0.25 माइनस आई इज इक्वल टू जीरो, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 0.25 एम्पीयर। तो ये किसका मान आ गया, करंट का मान आ गया। यहां तो केवल एक ही संधि बिंदु था इसलिए हमने एक साथ नियम अप्लाई कर दिया, बट यहां पर देखो अलग अलग संधि बिंदु है। संधि बिंदु की डेफिनेशन वह बिंदु जहां पर दो या दो से अधिक वायर मिलते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि बताइए किरचॉफ्स के पहले नियम में किस भौतिक राशि का संरक्षण होता है, तो आप क्या कह रहे हो कि इसमें धारा का मान क्या है संरक्षित है, अर्थात जितनी धारा आती है उतनी ही धारा क्या जाती है बाहर जाती है। इसका मतलब धारा एक्चुअल में है क्या, आवेश का प्रवाह है, तो इसमें किसका संरक्षण होता है, इसमें होता है आवेश का संरक्षण। तो ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा जाएगा कि किरचॉफ के प्रथम नियम में किस भौतिक राशि का संरक्षण होता है, तो किस भौतिक राशि का संरक्षण होता है, आवेश का संरक्षण होता है। ये था किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, और साथ में आप तीन चीजें ये याद रखोगे, आने वाली धारा पॉजिटिव, जाने वाली धारा नेगेटिव, और इनका योग कितना होना चाहिए जीरो। देखो सेकेंड लॉ है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम बोला जाता है इसको, या बोला जाता है लूप नियम, या कभी कभार इसको वोल्टा नियम भी बोला जाता है। तो अब इस नियम को स्टार्ट करने से पहले तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि लूप क्या होता है। तो देखो लूप का मतलब क्या होता है, लूप का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी बिंदु से स्टार्टिंग करते हो और घूम फिर के अगर आप वापस इसी बिंदु पर आ गए ना, तो यह बन जाता है लूप। तो लूप की डेफिनेशन क्या हो गई कि आप किसी भी बिंदु से स्टार्ट करो, घूम फिर के अगर आप वापस उसी बिंदु पर आ गए तो यह क्या हो गया, लूप। तो यह जो नियम था इसके अकॉर्डिंग किरचॉफ्स ने कहा कि किसी भी बंद लूप में प्रतिरोधों एवं सेलों की वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो क्या डेफिनेशन है कि अगर किसी भी परिपथ में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और सेल जुड़े हुए हैं तो उनकी जो वोल्टताओं का बीजगणितीय योग है वो क्या होता है, शून्य। तो समेशन v बराबर क्या होना चाहिए, जीरो। तो देखो इसमें प्रतिरोध और सेल ही क्यों नाम आया, क्योंकि अगर प्रतिरोध है और सेल जुड़ा हुआ है किसी भी सर्किट में तो डेफिनेट बात है वहां पे करंट का फ्लो होगा, और करंट का फ्लो होगा तो आपको पता है I इंटू R क्या कहलाता है, वोल्टेज। और इसी प्रकार जो सेल है उसके पास भी वोल्टेज होती है, तो इसलिए हमने किन किन का नाम लिया कि कोई भी अगर बंद लूप है जिसमें प्रतिरोध और सेल जुड़े हुए हैं तो उनकी जो वोल्टताओं का बीजगणितीय योग है वो क्या होना चाहिए, शून्य। और जो लूप होना चाहिए वो कैसा लूप होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और लूप का मतलब है कि आप जिस बिंदु से स्टार्ट करते हो घूम फिर के अगर वापस आप उसी बिंदु पर आ गए तो वो क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। तो यह था लूप नियम या वोल्टता नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी भी बंद लूप में अगर प्रतिरोध और सेल जुड़े हुए हैं तो उनकी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य। अगर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो आप वोल्टेज कैसे निकालोगे, उसको करंट से गुणा करके, और अगर सेल जुड़ा हुआ है तो आपकी वोल्टता और सेल की वोल्टता आपको क्या होगी, गिवन होगी। तो अब इसके कुछ नियम है, तो देखिए पहला नियम क्या है, पहला नियम यह है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, जैसे मान लो कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे ये आप हो तो आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हो और करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर आपको रास्ते में प्रतिरोध मिल गया तो बताओ मैं अगर पूछूं कि इसकी वोल्टता कितनी होगी, तो वोल्टता का ओम के नियम से फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर। तो वोल्टता तो कितनी हो जाएगी, आई इंटू आर। तो इस वोल्टेज को आप हमेशा कैसे लोगे, प्लस। तो क्या नियम है पहला कि आप करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो और अगर आपको प्रतिरोध मिल गया तो वहां जो वोल्टेज होगी उसको हमेशा आपको कैसा लेना है, पॉजिटिव। अब दूसरा नियम कि मान लो करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है और आप करंट के अपोजिट जा रहे हो, मतलब आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो करंट किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में, और आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो, इस डायरेक्शन में, तो इस टाइम भी वोल्टेज तो वही होनी है, मतलब वोल्टेज का फॉर्मूला तो क्या होगा, वही होगा I into R, बट इस टाइम जो वोल्टेज आपको लेनी है वो कैसे काउंट करनी है, माइनस।
तो अगर आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो और अगर आपको रास्ते में प्रतिरोध मिल गया तो वोल्टेज तो होगा आई आर, और उसको आपको कैसा लेना है, प्लस लेना है। और अगर आप करंट के विपरीत चल रहे हो, जैसे करंट तो इस डायरेक्शन में और आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में, तो इस टाइम जो वोल्टेज होगी फॉर्मूला तो वही रहेगा आई इंटू आर, बट साइन कैसा आएगा, माइनस। जो तीसरा नियम है वो ये कहता है कि मान लो आप करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो और उस डायरेक्शन में सेल का जो टर्मिनल पहले आता है आप उसी को लिखोगे, जैसे इस डायरेक्शन में, जैसे करंट इस डायरेक्शन में है तो आप अगर इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो तो इस डायरेक्शन में बताओ ये एक सेल है तो सेल का कौन सा टर्मिनल पहले आ रहा है, प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो यहां जो इसकी वोल्टेज लोगे आप वो लिखोगे प्लस ई, ठीक है। और अगर आप करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो और उसमें अगर सेल का पहले माइनस टर्मिनल आ जाता है तो आप वोल्टेज कितनी लिखोगे, माइनस ई। तो चार नियम है इसके। पहला नियम यह है कि करंट की डायरेक्शन में आप चलते हो और अगर आपको रास्ते में प्रतिरोध मिलता है तो वोल्टेज आप लिखोगे प्लस आई आर, और अगर करंट के अपोजिट चल रहे हो तो वोल्टेज लिखोगे माइनस आई आर। करंट की डायरेक्शन में सेल का जो टर्मिनल पहले आता है उसको ही, मतलब अगर प्लस आता है तो प्लस लिखोगे और माइनस आता है तो क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे। तो ये है वोल्ट का नियम, ये चार नियम आपको याद रखने हैं। अब देखिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल, देखो ये क्वेश्चन है किरचॉफ्स के सेकंड लॉ पे और पूछा गया है कि आपको आई वन आई टू और आई थ्री का मान निकालना है। तो मैंने आपको चार नियम बताए हैं, मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। पहला नियम यह है कि धारा की डायरेक्शन में आगे बढ़ो और प्रतिरोध मिल गया तो वोल्टेज प्लस आई आर होगा, और धारा के अपोजिट आगे बढ़ो आप, जैसे आप इधर ही जा रहे हो और धारा भी इधर है और आप इधर जा रहे हो और धारा इस डायरेक्शन में है तो इस टाइम वोल्टेज क्या होगा, माइनस आई आर। करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ने पे सेल का जो टर्मिनल पहले आता है अगर प्लस आता है तो प्लस ई लिखोगे और अगर माइनस आता है तो क्या लिखोगे, माइनस ई, ठीक है। तो ये चार नियम थे। अब सबसे पहले मैं संधि नियम लगाता हूं 8.C। कौन से पॉइंट पे, सी पॉइंट पे कौन सा नियम लगा रहा हूं, संधि नियम। तो देखो संधि नियम क्या कहता है कि आने वाली धारा को कैसे लोगे, पॉजिटिव, जाने वाली धारा को कैसे लोगे, नेगेटिव। तो मुझे बताओ देखो यहां से कितना करंट आ रहा है, आई थ्री करंट आ रहा है, देखो ये संधि बिंदु पर आ ही रहा है, आने वाली धारा को आप कैसा लोगे, पॉजिटिव, तो आई थ्री। जाने वाली धारा को कैसे लोगे, नेगेटिव, इधर कौन सा करंट जा रहा है, आई वन, और ऊपर की तरफ क्या जा रहा है, आई टू। देखो ये तीर दोनों ही बाहर की तरफ है, इसका मतलब ये जाने वाली धाराएं हैं, तो माइनस आई वन माइनस आई टू इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो। तो आई थ्री की वैल्यू कितनी आ गई, आई वन प्लस आई टू, इसको आप दे दो समीकरण फर्स्ट। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई मतलब किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे आपने कौन सा नियम अप्लाई किया, संधि नियम, आने वाली धारा पॉजिटिव, जाने वाली धारा किसी आगे नेगेटिव। अब हम लगाते हैं लूप नियम। तो मैंने लूप के लिए आपको क्या कहा था कि लूप आप उस पॉइंट को बोलोगे, या लूप होता क्या कि आप जिस बिंदु से स्टार्ट करो घूम फिर के अगर आप वापिस वहीं पे आ गए ना तो वो क्या बन जाता है, लूप। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ए बिंदु से, अब अगर मैं जिस बिंदु से स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे यहीं पे आना है, तो मैं आता हूं ऐसे, आप पहले सी जाओगे फिर डी जाओगे फिर बी जाओगे और फिर वापस ए पे आ गया, तो बताओ ये एक लूप बन गया। क्या हुआ कि आपने ऐसे स्टार्टिंग की, आप सी पर पहुंचे फिर डी पर फिर बी पर और फिर वापस कहां पे पहुंच गए, ए पर। तो लूप की ये डेफिनेशन होती है कि जिस बिंदु से आप स्टार्ट करना करते हो वापस घूम फिर के आपको कहां आना है, वहीं आना है। तो अब आप स्टार्ट करो, तो लूप ए सी डी बी ए में, तो आप ऐसे स्टार्ट करो, देखो तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप करंट की डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रहे हो, क्यों, क्योंकि आप भी तो इधर ही जा रहे हो। आपका नियम क्या है, जो आप पहले पॉइंट लिखोगे आप वहां से स्टार्टिंग करोगे, तो पहले आप ऐसे सी जाओगे फिर डी फिर बी फिर ए, तो आप देखो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो और इसी डायरेक्शन में करंट बढ़ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में देखो सेल का कौन सा टर्मिनल पहले आ रहा है, ये माइनस होता है या प्लस होता है, जो छोटी लाइन होती है वो माइनस को शो करती है और बड़ी लाइन किसको शो करती है, प्लस को। तो करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर सेल का जो टर्मिनल पहले आता है वो आप लिखोगे, अगर प्लस आता है तो प्लस ई और माइनस आता है तो माइनस ई, तो बताओ यहाँ कौन सा टर्मिनल पहले आ रहा है, माइनस टर्मिनल आ रहा है, तो माइनस ई, ई का मतलब इसकी वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, माइनस 10 वोल्ट। तो इसमें बताओ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम कि करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हो और सेल का जो टर्मिनल पहले आता है आप उसको लिख दो, फिर आगे बढ़ो, देखो करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है,
दूसरा नहीं है, मैंने क्या बताया कि करंट की डायरेक्शन में अगर आपको रेजिस्टेंस मिल जाए तो वोल्टेज कितना होगा, प्लस आई आर। तो प्लस देखो करंट की डायरेक्शन में ही तो आप बढ़ रहे हो, करंट भी इधर ही जा रहा है, देखो करंट का साइन ये है, तो करंट भी इधर जा रहा है और आप भी इधर जा रहे हो। तो यहां बताओ आई का मान कितना है, आई वन, और जो प्रतिरोध है उसका मान कितना है, सिक्स। तो क्या आ गया, सिक्स आई वन। फिर आपको ए से सी चले गए, सी से कहां पहुंच गए, डी। डी के बाद आपको किस बिंदु पे जाना है, बी की तरफ। तो देखो बी की तरफ आगे बढ़ो, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, जाते जाओ, तो जाते जा रहे हो तो आपको प्रतिरोध मिल गया, वो किस में मिला है, करंट की डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन में वोल्टता का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस आई आर। तो आई कितना है यहाँ पे, आई थ्री, आर कितना है, टू। तो क्या आ गया, टू आई थ्री। अब आप वापिस ए बिंदु पर आ गए तो इसका योग कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ क्या आ गया कि सिक्स आई वन प्लस टू आई थ्री इज इक्वल टू कितना आ गया, टेन। अब बताओ यहां मैं आई थ्री की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से लिख सकता हूं, तो इसको बोल दो इक्वेशन टू। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सिक्स आई वन प्लस टू आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू टेन। तो देखो सिक्स आई वन प्लस टू आई वन प्लस टू आई टू इज इक्वल टू टेन। तो यहां से कितना आ गया, एट आई वन प्लस 2i2 is equal to 10। इसको आप दे दो इक्वेशन 3। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम कि आप जिस बिंदु से स्टार्ट करोगे घूम फिर के वापस वहीं आओगे। तो ए से स्टार्ट किया, C, D, B, ए से आप वापस पहुंच गए। तो ये चार नियम याद रखने हैं कि देखो आप करंट की डायरेक्शन में आगे जा रहे हो, सेल का माइनस टर्मिनल पहले आ रहा है तो आपने माइनस 10 वोल्ट लिख दिया। करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो तो अगर आपको धारा और प्रतिरोध दिया हुआ हो तो वोल्टता क्या हो जाती है, उन दोनों का गुणनफल। तो 6 * i1, करंट की डायरेक्शन में आगे जा रहे हो, यहां r कितना है, 2, और करंट कितना है, i3। तो क्या आ गया, 2i3। अब देखिए सेकंड लूप, अब देखिए हम दूसरा लूप ले रहे हैं, सी डी एफ ई सी। सही है लूप की जिस बिंदु से स्टार्ट कर रहे हो वापस आके आप वहीं रुक रहे हो। तो फॉर्मूला क्या हो गया, सी डी एफ ई सी। तो सी डी एफ ई सी, तो जहां से चल रहे हो वहां आ रहे हो। तो अब देखो करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में सेल का जो टर्मिनल पहले आता है आप उसी को लिखोगे। तो क्या आ रहा है, माइनस टर्मिनल पहले आ रहा है, तो माइनस ई। ई यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट। जो वोल्टता यहाँ जो सेल दे रखा है उसका जो ई होता है वो उसके ऊपर जितने नंबर लिखे हुए होते हैं वही उसके ई को बताता है। तो माइनस 10। आगे बढ़ो, देखो करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो तो आपको धारा भी मिल रही है और प्रतिरोध भी मिल रहा है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, प्लस 6 आई वन। आगे बढ़ो, देखो धारा आ रही है नीचे की तरफ और आपको चलना क्या है, देखो चलना किधर है, सी टू डी, डी से एफ, एफ से ई और ई से किधर जा रहे हो, सी। तो आप तो जा रहे हो ऊपर की तरफ और धारा किधर आ रही है, नीचे की तरफ। तो मैंने क्या कहा था कि आप अगर धारा के अपोजिट चलते हो तो आपको धारा और प्रतिरोध मिलता है, तो माइनस आई आर आता है। तो देखो यहाँ पे आई कितना है, आई टू, और बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो देखिए इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 4। फिर आगे बढ़ो आप, करंट आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में, तो सेल का कौन सा टर्मिनल पहले आ रहा है, प्लस या माइनस, माइनस। तो क्या आ जाएगा, माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, 6i1 माइनस 4i2 इज इक्वल टू 24। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 4। तो आपने दोनों लूप सोल्व कर लिए। इस लूप में आप सी से स्टार्ट करते हो और वापस सी पर ही पहुंच जाते हो। करंट की डायरेक्शन में सेल का कौन सा टर्मिनल पहले, माइनस, तो माइनस 10। आगे बढ़ो, करंट की डायरेक्शन में आपको प्रतिरोध मिल गया तो आप क्या करते हो, आई आर, तो आई कितना है, आई वन, और आर कितना है, 6, तो 6 आई वन। आगे बढ़ो, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब वोल्टेज माइनस आई आर। आई कितना है, आई टू, आर कितना है, 4, तो माइनस 4 आई टू। और फिर देखो इस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हो, जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो उसमें जो सेल का पहले टर्मिनल आता है यहाँ पे कौन सा आ रहा है, माइनस, तो माइनस 14। अब देखो आपके पास दो इक्वेशन हो गई, दूसरी लिख देता हूं, 8 आई वन प्लस 2 आई टू इज इक्वल टू 10। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो, कैसे, किस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 16 आई वन प्लस 4 आई टू इज इक्वल टू 20। अभी दोनों को ऐड कर दो, 4 और 5, तो देखो 16 और 6 कितने हो गए, 22 आई वन प्लस 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0 इज इक्वल टू 44। तो आई वन की वैल्यू क्या आ गई, 44 अपॉन 22, तो 2। तो यहां से देखो आई वन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर।
अब आप I2 और I3 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। कैसे? यहाँ अगर मैं I1 की वैल्यू 2 पुट करूं तो देखो कितना हो गया, 16 प्लस 2 I2 इज इक्वल टू 10, तो 2 I2 इज इक्वल टू माइनस 6, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3 एम्पियर। अब अगर आपके पास I1 है और I2 है तो आप I3 निकाल सकते हो। I3 का फॉर्मूला क्या था, I1 प्लस I2, तो I1 की वैल्यू कितनी है 2, I2 की माइनस 3, तो I3 का मान कितना आ जाएगा, माइनस 1 एम्पियर। तो देखो आपके पास I1 भी आ गया, I2 भी आ गया और क्या आ गया, I3। क्वेश्चन में यही पूछा था कि ज्ञात करो I1 कितना होगा, I2 कितना होगा और I3 कितना होगा। तो ये है किरचॉफ सेकंड लॉ। और इसी पे भी उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे प्रथम नियम में पूछा गया था कि बताइए जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है उसमें किस भौतिक राशि का संरक्षण होता है। तो जो फर्दम नियम था उसमें तो किसका हो रहा था, आवेश का, और जो ये द्वितीय नियम है इसमें संरक्षण होगा ऊर्जा का। तो एक बार मैं दोनों नियम थोड़े से रिपीट कर देता हूं। तो जो पहला नियम था वो तो था संधि नियम, और संधि नियम क्या था कि किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य, और किस राशि का संरक्षण होता है, आवेश का। जो दूसरा नियम था वो क्या था, लूप नियम। लूप का मतलब क्या होता है कि किसी भी बंद लूप पे वोल्टताओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, जीरो, यानी समेशन v बराबर जीरो, और आपको संरक्षण किसका करवाना है, ऊर्जा का। तो ये पूछा जा सकता है कि किरचॉफ के दोनों नियम लिखते हुए ये बताइए कि इनमें किन किन भौतिक राशियों का संरक्षण होता है। तो संधि नियम में तो आवेश का होता है, और लूप या वोल्टता नियम में किसका होता है, ऊर्जा का। आपके जो नोट्स है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। थैंक यू।